शंकर जी के मंदिर में बैठे हो, शिवालय में बैठे हो और जल चढ़ा रहे हो, कभी अकेले बैठे हो और भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, कभी एकांत में बैठे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, अपने दुख का स्मरण कर रहे हो कि मुझे ये तकलीफ आ गई है, भोलेनाथ आप मुझे संभाल लो, कभी तुम्हारी चित्त वृत्ति में एकांत में बैठकर ये विचार आए तो तुम अनुभव करना कि तुम जहां बैठी हो ना, थोड़ी देर अगर आंख बंद करी आप बैठे बैठे शिव जी को देख रही हो या नंदी को देख रही हो या सोच रही हो, विचार कर रही हो, आप भगवान शिव का अगर गुणगान करी हुई हो, शिव की भक्ति में डूबी हुई हो, तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हारे पास में से कोई निकल कर गया है, कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे पास बैठा हुआ है, कोई ऐसा अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में आएगा कि कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है, देखते देखते एकदम तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कोई मुझे यहां देख रहा है, कोई मुझे वहां से देख रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई कभी तुम एकांत में शिव भक्ति में लगे हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कोई ने मुझे आवाज लगाई है, कोई मुझे पुकार रहा है। पलट कर देखोगे, जाने का प्रयास करोगे, उससे मिलने का प्रयास करोगे, अकेले बैठे हो, कौन है तुम्हारे साथ में? अब तुम यहां कह रहे हो कि मैं अकेला हूं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, उस गर्भ में जब बच्चे को प्राण उत्पन्न हो जाते हैं, तब देवाधिदेव महादेव को ये नियम है, यम धर्मराज स्वयं जब भगवान के नंदी बनकर विराजमान हुए, धर्मराज जब नंदी बन गए, धर्मराज जब नंदी के रूप में शिव जी के बनकर रहने लगे, तब धर्मराज ने महादेव से कह दिया था, प्रभु जो गर्भ में रहे, उस गर्भ में रहने वाले बच्चे से अंतिम श्वास तक आपको प्रत्येक संसार में रहने वाले व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जब माता के गर्भ में बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल, जब तक वो मरेगा तब तक ये शिव उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण साथ रहेगा। अब विचार आपको करना है, जैसे एक चूल्हे के अंदर आप माताएं हैं, बहुत सारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, कभी कभी एक चूल्हे के अंदर, अभी अब वो भी जान दो, अभी होली निकली है, अभी होली निकली है, अब होली की लकड़ी पूरी जल गई, होली का कंडा, होली की गोबरी, ये सब जल गई, राख राख इकट्ठी हो गई, करें दर्शन की नहीं करें, अब होली की राख राख पड़ी है, पर यदि एक दिन हो गया, डेढ़ दिन हो गया, दो दिन हो गया, होली की राख राख पड़ी हुई है और राख पड़ी थी, इतने में कहीं से जम के हवा का झोंका आ जाए, एकदम तेज हवा चल जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं का एक अंगारा ऐसा रहता है जो धधक जाता है, जिसमें प्रकाश नजर आ जाता है। उसी तरह भगवान को तुम्हारे साथ हर पल है, मेरा शिव तुम्हारे साथ हर घड़ी है, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ पल पल में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तुम्हारी श्वासों के साथ मेरा महादेव चल रहा है, बस एक भक्ति का हवा का झोंका आना चाहिए तो मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। एक पवन का झोंका होगा, शिव तत्व सम्मुख होगा। महाराज वो तैयार है, कहीं छुपा हुआ है, उस छुपे हुए मेरे देव अधिदेव महादेव को एक भक्ति के बल पर प्रकट किया जा सकता है।